हेलो दोस्तों पहले अकेडमी में आपका वेलकम है आज हम आर्ट कल्चर की जो राजस्थान इतिहास है उसकी क्लास करने जा रहे हैं एक क्लास ऑलरेडी हो गई है वो आप देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट आपके सवाल हैं वो सब हम कवर करने की इस सीरीज में कोशिश कर रहे हैं आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और आप जो भी सिलेबस दिया हुआ है वो कवर कर रहे हैं फिर भी अगर आपको अपनी जो पढ़ाई है उसको ये देखना है कि इन सवालों के थ्रू आप किस तरीके से खुद को कहाँ तक देख पा रहे हो कि आपकी पढ़ाई है वो किस तरीके से जा रही है तो आप एक बार इन सवालों को जरूर कीजिएगा ये जो सीरीज है इसका एक ही मकसद है कि आपको ये बताना कि आरपीएससी में जो आपका पेपर आता है उसमें सवालों का पैटर्न क्या रहता है हो सकता है हूबहू सवाल आपको ना भी मिले पर अगर इनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि इस तरीके से मेरे को कोई भी अगर आप लेसन पढ़ रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो वो इस तरीके से हमको ये पढ़ाई करनी है ये आपको तो ध्यान में रखना है ठीक है पीछे हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री की ज्योग्राफी की पॉलिटी की और करंट अफेयर की इकोनॉमिक्स की सबकी क्लासेज है बहुत सारी आ गई है आप उनको कंटिन्यू रखिए ये जो अपनी राजस्थान इतिहास की जो क्लास है ये सेकेंड क्लास है तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं उसमें अपना पहला सवाल है कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है ये सवाल आपका एक बार नहीं सौ बार आया हुआ है हर एग्जाम में इस पैटर्न में ये जो सवाल है आपका आया हुआ है तो आपको हो सकता है इसका पता हो फिर भी ध्यान में रखो कि ऐसा कौन सा प्राचीन नगर है जो महाभारत और महाभाष्य ये दो क्या थे ये प्राचीन अपने ग्रंथ है माबाद और महावाश्य इसमें इस नगर का उल्लेख है तो कौन सा नगर है करकोच रेड मध्यमिका या विराट नगर इसका राइट आंसर होगा मध्यमिका नाम सुना होगा सबने मध्यमिका उसका वर्तमान में नाम क्या है नगरी ठीक है नगरी और है कहां ये है चित्तौड़गढ़ में तो इस सवाल से आपको आया हुआ है प्राचीन इस जो मध्यमिका नगरी है उसका महाभारत और महाभास्य में उल्लेख है आपने अगर कहीं से भी सवाल किए तो ये करके आपने छोड़ दिया परंतु उसके आसपास की जो चीजें थी वो आपने कवर नहीं की और आरपीएससी का पैटर्न क्या रहता है आज ये पूछ लिया कि प्राचीन नगर जो महाभारत महाभाष्य में उल्लेखित है सेकेंड टाइम आपका जब एग्जाम होगा या कोई और एग्जाम आगा उसमें क्या पूछेंगे इसका वर्तमान नाम क्या है ठीक है माध्यमिका है इसका वर्तमान नाम क्या है नगरी वर्तमान में ये कहां पर स्थित है नगरी तो आपको बताना चाहिए चित्तौड़गढ़ में अगला सवाल ये आ सकता है कि इसकी खोज या उत्खनन किसने करवाया था तो जो भंडारकर महोदय थे भंडारकर महोदय उन्होंने सर्वप्रथम इसकी खोज कार्य करवाई थी आगे चलकर जो अपना केंद्रीय पुरातत्व विभाग है वहां पर इसका विस्तृत खोज कार्य करवाया जब ये जो नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है इसके बारे में, में हमें पूरी जानकारी मिली अब ये सवाल भी हो सकता है कि इसमें इस को किस तरीके की चीजें हैं वो मिली प्राचीन नगर है तो क्या इसमें मुख्य विशेषता है जिसे इसकी प्राचीनता सिद्ध करती है। तो ये एक बौद्ध तो वैष्णव तो और बौद्ध ये दोनों जो धर्म थे इनसे संबंधित एक तो मिली है हमको यहाँ पर खुदाई से क्या मिला है मूर्तियां मिली है ओके दूसरा अगर एक शब्द में आपसे पूछ ले कि किस काल से संबंधित था ये भी सवाल आ सकता है तो वो किस काल से गुप्तकालीन गुप्तकालीन ये स्थल थे नगरी चित्तौड़ और यहाँ पर गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं वैष्णव और बौद्ध धर्म से संबंधित हमको मूर्तियां भी मिली है क्लियर अब ये आपका जो मध्यमिका है ये कवर हुआ है ये पढ़ने का तरीका होता है कि खाली एक सवाल आया हुआ है उस पर फोकस मत करो मे भी वो आपका रिपीट हो या नहीं हो पर उससे संबंधित और एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो इस सीरीज में आपको हम देने की हम कोशिश कर रहे हैं ठीक है अगला सवाल है राजपूत वेदी कार्यो की संतान है अब राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना किसी ने माना कि ये वो विदेशी थे किसी ने माना कि वो ब्राह्मण वंश से थे किसी विद्वान ने अलग से अपनी स्टडी की तो उसने माना कि नहीं ये तो अग्निकूल से संबंधित थे अब आपको हर एक विद्वान से संबंधित जो उनका तथ्य था मत था वो आपको पता होना चाहिए अब सवाल ये राजपूत राजपूत वेदिकारियों की संतान है ये किसने माना तो इस मत के प्रतिपादक थे डी आर भंडारकर कर्नल टोड या गौरी शंकर ओझा या विलियम कुक तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गौरी शंकर ओझा उन्होंने माना कि राजपूत थे वो वेदिकारियों की संतान थी एक और कौन थे जिन्होंने ये सेम बात मानी थी ऐसे बहुत सारे विद्वान आपको मिलेंगे पर जो एग्जाम में पूछते हैं संतान एक तो मैंने आपको बताया शंकर ओझा ये तो अपने सवाल में आ गया अब एक और विद्वान थे जिन्होंने सेम ये बात बोली थी तो वो थे महोदय थे सीवी वेद्य जो विदेशी विद्वान थे उन्होंने भी सेम यही बात मानी अब एक बात अगली अग्नि अग्निवंश किसने माना कि अग्नि से उत्पन्न हुए थे कुछ योद्धा अग्नि अग्निवंश आपने पूरा पढ़ रखा होगा तो ये मत था जो वंश से संबंधी था ये किसका था चंदबरदाई हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि थे चंदबरदाई जिन्होंने आगे चलकर पृथ्वीराज रासो नामक एक रासो ग्रंथ है उसकी रचना की थी जिसे हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है अब ये जो अग्निवंश थे ये माना था चंद बरदाई ने इसके अलावा एक और कवि भी थे राजस्थान में जिनका नाम था विद्वान थे जो सूर्यमल मिश्रण सूर्यमल मिश्रण इन्होंने भी सेम इसी बात को आगे जाके अपूल किया कि हाँ जो राजपूत थे उनकी उत्पत्ति थी वो अग्निवंशी थी अब मैंने आपको क्या बताया कि चंद बरदाई थे उन्होंने माना कि अग्नि से राजस्थान के जो चार योद्धा थे वो उनकी उत्पत्ति हुई थी कौन कौन से थे तो वो थे प्रतिहार प्रमार प्रतिहार परमार प्रतिहार परमार चालुक्य प्रतिहार परमार चौहान इनकी उत्पत्ति हुई थी ये इसने चंद्रबरदाई ने माना था और सूर्य मलमिश्रण थे ये राजस्थान के वो इतिहासकार थे जिनका संबंध बूंदी से था और उन्होंने दो रचना की थी जो एग्जाम में हर बार पूछी जाती है ध्यान रखना एक था वंश भास्कर वंश भास्कर जिसमें तो पूरा बुंदी वंश बुंदी राज दरबार से संबंधित थे तो बुंदी से संबंधित जो भी राजवंश थे उनके बारे में विस्तृत उल्लेख इस वंश भास्कर में किया गया है दूसरा इन्होंने एक रचना की थी इसका नाम था वीर सत्सई वीर सत्सई जिसमें अठारह की क्रांति हुई थी राजस्थान में उसका क्या योगदान था उसके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है ये एक्स्ट्रा बातें थी जो मैं बता रही हूँ पर पॉइंट ये है कि अग्नि वंश से राजपूतों की उत्पत्ति मानी थी वो किस विद्वान थे तो चंद्रवरदाई और सूर्यमल मिश्रण थे वो इससे संबंधित थे अगली अगर बात करें ब्राह्मण वंश से संबंधित भी माना था बहुतों ने कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से भी थी तो कौन से विद्वान थे तो वो थे अपने डी आर भंडारकर महोदय थे भंडारकर महोदय उन्होंने ये माना कि ब्राह्मण वंश से राजपूतों की उत्पत्ति हुई और एक गोपीनाथ शर्मा आपको ये याद रखनी है जो जो ये लिखवा रही हूँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि गोपीनाथ शर्मा और डी आर भंडारकर महोदय थे उन्होंने किससे ब्राह्मण विदेशी विद्वान थे है ना? उन्होंने राजपूतों की कि उत्पत्ति किससे मानी सख और सीथियन। ये विदेशी जाति थी तो इन्होंने माना कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत भी एक प्रचलित है कि यहाँ के नहीं थे राजपूतों की जो उत्पत्ति भी थी वो बाहर के थे जो सख्त सीथियन थे उनसे उनकी उत्पत्ति मानी उनका नाम क्या था कर्नल चोट मोदी थे और एक थे विलियम कुक विलियम कुक ये दो तो विद्वान थे जिन्होंने सख्त सीथियन से इनकी उत्पत्ति मानी थी एक जो आता है वो है कुषाण कुछ विद्वान थे उन्होंने ये माना कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई वो कुषाणों से हुई थी तो कुषाणों से किसने मानी से उत्पत्ति मानने वाले थे अपने अलेक्जेंडर कनिंगम मोदय है ना जिनको छोटा नाम कनिंगम बोलते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम मोदय थे उन्होंने माना कि राजपूत वंश इनकी उत्पत्ति हुई ये प्रमुख मत है जो प्रचलित है जिसमें ये बोला गया अलग अलग विद्वानों ने माना है कि ब्राह्मण थे या अग्निवंश थे या विदेशी उत्पत्ति जिसमें सख्तियन से संबंधित थे या कुषाण कालीन थे या से इनकी उत्पत्ति भी थी तो आपको हर एक मत से संबंधित ये जो विद्वान है इनके नाम याद रखने हैं हर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है मे अब आर में भी हो जाए तो ये ध्यान रखना है अगला है संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में थे संस्कृत कवि राजशेखर का नाम सुना होगा वो उनका किस दरबार से संबंध था महेंद्रपाल प्रथम मिहिर बोझ वस्त्र या नाग तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम ये संस्कृत कवि रासिकर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थी परंतु आगे चलकर उनका बेटा हुआ जो शासक बना उनका नाम था महीपाल क्या नाम था उनका महीपाल और ये जो महेंद्रपाल और महीपाल थे ये कौन से शासक थे ये थे गुर्जर प्रतिहार शासक गुर्जर प्रतिहार शासक थे आपने राजस्थान की अच्छी पढ़ी होगी उनके राजदरबारी थे यह और उन्होंने दो ग्रंथों की रचना की थी संस्कृत कवि थे, थे रासिकर उन्होंने दो प्रमुख ग्रंथ है एक का नाम है विदशाल भंजिका विद्याशाल भंजिका और दूसरा जो उनका प्रमुख ग्रंथ है वो है बाल भारत बाल भारत ये नाटक है बाल भारत ये बहुत फेमस है इनका तो आपसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं जैसे मैंने सवाल बनाया संस्कृत विराज शेखर का संबंध किस था तो यहां दे रखा था ऑप्शन में महेंद्रपाल प्रथम तो आप महेंद्रपाल प्रथम टिक कर दिया वे आपका महीपाल दिया हो तो उनसे संबंधित था क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद अगला शासक था उनका जो पुत्र था वो बना था महीपाल उनके दरबार में भी राजशेखर थे इवन इनके दरबार में ज्यादा समय उन्होंने व्यतीत किया था उनके दो नाटक भी पूछ सकते हैं तो आपको बताना है विद्याशाल बंजिका और बाल भारत उनके दो प्रमुख नाटक थे और ये जो महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल था इनका संबंध किससे था तो ये गुर्जर प्रतिहार का लिम्न शासक थे क्लियर अगला सवाल निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है आप नहीं ये बताना है कि ऐसा कौन सा शासक है जो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है नाग द्वितीय महेंद्रपाल प्रथम देवपाल या भ्रत इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भरत भट्ट इनका संबंध गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है अब गुर्जर प्रतिहार वंश के कौन कौन से शासक थे तो आपको पता होना चाहिए जो जिनकी कुछ खास उपलब्धियां रही है वो ही है आरपीएससी पूछती शासकों का नाम ऐसे बहुत सारे शासक आए होंगे पर अगर उनकी कुछ अचीवमेंट नहीं है इतिहास में तो वो आपसे नहीं पूछेंगे हमको कौन कौन से शासक याद रखने हैं ऐसे मेजर जिनका कुछ कुछ अचीवमेंट हो जैसे नाग प्रथम था शक्तिशाली शासक सा था गुर्जर प्रतिहार वंश का उसके बाद आता है नागबर द्वितीय ठीक है नागबट द्वितीय आता है उसके बाद शासक है वो महेंद्रपाल ये नहीं कि इनका क्रम मे भी कोई एक शासक और था बीच में आया होगा पर हमको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए हम देख रहे हैं महेंद्रपाल प्रथम और उसके बाद महीपाल जिनका संबंध मैंने आपको बता दिया कि राजशेखर जो कवि थे जो जिनके दरबार से संबंधित और एक बोज द्वितीय बोझ का नाम सुना होगा आपने गुर्जर प्रतिहार शासक बोझ तो बोझ द्वितीय थे वो भी अपना प्रतिहार शासक था और देवपाल देवपाल और त्रिलोचनपाल अब इनकी क्या उपलब्धियां थी वो अगर यहां बताने लग गई मैं अगला है यशपाल तो अपनी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये शासक वो थे अगर आपको हिस्ट्री में देखना है राजस्थान के इतिहास में तो आप ये देखने की कोशिश किया करो कि राजस्थान के जो गुर्जर प्रतिहार कालीन शासक थे उनकी क्या क्या अचीवमेंट थी नागभट प्रथम नागभट द्वितीय महेंद्रपाल महीपाल बोध द्वितीय देवपाल त्रिलोचन पाल यशपाल अब इनसे संबंधित ऐसी कौन से घटनाक्रम था कौन तो वो चीजें आपको देखनी है वो आपका होमवर्क है आप खुद देखिए अब यशपाल की अगर मैं बात करूं तो ये वो शासक थे जो अंतिम प्रतिहार वंश थे ठीक है राजस्थान में अंतिम प्रतिहार वंश के शासक थे जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे वो कौन थे क्लियर तो आपका उत्तर मिल गया आपको देवपाल है संस्कृत नाटक है इनके रचयिता कौन था के लिए नाटक के रचयिता कौन थे अजय राज चौहान विग्रहराज प्रथम विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज चौहान सब चौहान शासक है जो जिन्होंने के लिए नाटक की रचना की वो कौन से थे तो इसका राइट आंसर होगा आपका विग्रहराज चतुर्थ ये विग्रहराज चतुर्थ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चौहान शासक थे चौहान शासक थे जिनका कहां था? जो अजमेर और आसपास का क्षेत्र था वहां पर इनका शासन था जिनको पाल दक्ष भी बोलते थे और आपको ये बता दूं कि पाल दक्ष या चौहान वंश का जो स्वर्ण काल था वो किसको बोलते हैं विग्रहराज चतुर्थ के काल को बोलते हैं विग्रहराज चतुर्थ को इतिहास में एक अन्य नाम से भी जानती हैं उसका क्या नाम है बिशल देव ठीक है इन्हीं के दरबारी एक कवि थे उन्होंने बिसल देव रासो की रचना की थी नरपति नालय थे जिन्होंने क्या किया था बिसल देव रासो की रचना की थी ये बिसल देव रासो क्या है श्रृंगारिक ग्रंथ है श्रृंगारिक ग्रंथ है अब आपको ये तो मैंने एक्स्ट्रा बात बता दी इसके अलावा विग्रह राज चतुर्थ है उनके काल में उन्होंने खुद क्या की थी खुद उन्होंने हरि के लिए एक नाटक थे उसकी रचना की थी और किस भाषा में की थी दोस्तों संस्कृत भाषा में ये भी पूछ सकते हैं कभी कि ये जो नाटक है इसकी रचना किस भाषा में की गई थी तो संस्कृत भाषा में की गई थी इसके अलावा उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की थी संस्कृत पाठशाला जिसे कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक था जो एक तुर्क शासक था उसने उसको तुड़वा कर क्या किया अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम की एक जो मस्जिद है वो बना दी थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा अब मैं आपसे ये बता रही हूँ कि जो विग्रह राज चतुर्थ है उनके दरबार में इनकी प्रमुख अचीवमेंट क्या है या तो राजनीतिक होती है या साहित्यिक दो राजनीतिक देखे स्वर्ण काल बोल रहे हैं हम तो इसका मतलब कुछ खास अचीवमेंट थी उनके साथ तो राजनीतिक रूप से उन्होंने दिल्ली में उस समय था तोमर शास वंश का शासक था तो उनको पराजित किया था और दिल्ली पर अधिकार किया था नंबर ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूं अब सांस्कृतिक में देखे तो उनके दरबार में एक रहते थे दरबारी कवि सोमदेव जिन्होंने ललित विग्रहराज नाम की एक रचना थी उसकी रचना की थी ललित विग्रहराज ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये किन के दरबारी कवि थे और उनका रचना का नाम क्या था तो ये, तो ये थे हरि लिए संस्कृत नाटक के रचयिता आंसर मिल गया आपको विग्रहराज चतुर्थ अगला है निम्न में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख था वो उत्कीर्ण करवाया गया था पृथ्वीराज द्वितीय पृथ्वीराज प्रथम द्वितीय अरुणोराज और विग्रह राज चतुर्थ इसका राइट आंसर होगा विग्रह राज चतुर्थ इसमें एक्सप्लेनेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको आंसर मिल गया होगा दिल्ली के तोमर शासक थे वो दिल्ली पर अधिकार किया उनको पराजित किया और दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख है वो उत्कीर्ण करवा दिया था विग्रह राज चतुर्थ ने चौहान वंश के शासक थे क्लियर अगला है निम्न में कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था जालोर में भी चौहान वंश था तो उसका संबंध कौन सा शासक था जो उससे संबंधित नहीं था वत्सराज कीर्तिपाल स्मे सिंह या उदय सिंह तो इसका राइट आंसर होगा वत्सराज ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित शासक थे वत्सराज ना कि ये जालोर के चौहान वंश से संबंधित कीर्तिपाल सिंह सिंह उदय इनका संबंध क्या था ये जालौर के चौहान वंश शासकों की पूरी सूची देखी है उसी तरीके से ये उसमें एक वत्स राज भी थे अगला सवाल है अलाउद्दीन खिलजी की वीजों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए अलाउद्दीन खिलजी था जिन जिसने राजस्थान पर आक्रमण किया अलग अलग जो किले थे वहां पर अधिकार किया तो यहां पर ये पूछ रहे हैं कि उनका काल क्या था रणथम्बोर पे कब किया पहले हमको पता होना चाहिए फिर हम इनको व्यवस्थित करेंगे रणथम्बोर पर तेरह में किया था चित्तौड़ पर तेरह में किया था अब बच गया जालोर जालोर और सीवाना सीवाना पे पहले हुआ था तेरह में और जालोर पर हुआ था तेरह में अब इनको व्यवस्थित कर लीजिए आप एक तीन चार और दो इसमें दिख रहा है कहीं एक तीन चार दो यानी आपका राइट आंसर होगा ये यहाँ पर आपको पूरी सूची पता होनी चाहिए इनका काल क्या था रणथम्बोर तेरा सो एक चित्तौड़ तेरह सौ तीन शिवाना तेरा सो, सो आठ और आपका जालोर तेरह सो ग्यारह क्लियर अगला सवाल निम्न में कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है नहीं है देखना है दोस्तों है नहीं नहीं है तो कुंभा ने संगीत राज की रचना की थी बिल्कुल रसिक प्रिया बिल्कुल गुहिल वंश के जो संबंध मेवाड़ के शासक थे महाराणा कुंभा ये तो सबको पता है ना मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे संगीत राज, रसिक और, और सूड परबन एक और रचना याद कर लो उनकी साथ में शुड परबन ये सब थे संगीत से संबंधित संगीत से संबंधित महाराणा कुंभा के ग्रंथ थे अब राजल्लभ था ये इनकी रचना नहीं थी सवाल तो यही था आपका कि कौन सा ग्रंथ है जिसकी महाराणा कुंभा नहीं थे महाराणा कुंभा खुद एक साहित्यिक व्यक्ति थे खुद भी साहित्य की बहुत ज्यादा रचना की थी जैसे संगीत राज, पीरिया, संगीत मीमा शुभ प्रबंध इस तरीके के और भी ग्रंथ आपको मिल जाएंगे कुछ ऐसे थे जिनकी पे टिक्का लिखवाई थी ठीक है परंतु राज इसके साथ साथ उनके दरबार में भी बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिसको इन्होंने संरक्षण दे रखा था इसी वजह से कभी भी आप एग्जाम में देखना महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों से ज्यादा उनकी जो साहित्य उपलब्धियां थी या कार्य थे या कलात्मक कार्य थे जैसे दुर्ग या किला इनका निर्माण करवाया था कुछ मंदिर का निर्माण करवाया था वो आपसे पूछी जाती है तो महाराणा कुंभा के संदर्भ में आपको फोकस करना है उनकी जो साहित्य यानी या जो भी कलात्मक उपलब्धि है उस पर अब शुभ प्रबंध संगीत अब राज की बात है तो यह किसकी रचना थी तो आपको पता होना चाहिए कि उनके दरबार में विद्वान थे जिनका नाम था मंडन है ना जो उनके प्रमुख शिल्पी भी थे उन्होंने राज की रचना की थी देव मूर्ति प्रकरण है ना और बहुत सारी रचना थी मंडन की वो सब आप देखना तो राजबल्भ के रचयिता कौन है मंडन अगला सवाल निम्न में कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था भारत में जैसे ही मुगल आए थे तो उन्होंने क्या किया पूरे भारत में सबसे पहले यहां पर शासक था यहां पर किसका शासन था लोधी वंश का शासन था तो इस लोधी वंश को पराजित कर दिया था बाबर ने कहा कि युद्ध में पानीपत के युद्ध में ठीक है परंतु अब जो प्रमुख शक्ति बच गई थी वो भी राजपूताना की रूस में प्रमुख कौन थे शासक राणा सांगा थे है ना तो इसको पराजित करने के लिए राणा सांगा प्लस जो मुगल सम्राट था मुगल जिसको बादशाह बोलते थे बाबर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था 1527 में ये युद्ध कहलाता है खानवा का युद्ध तो राणा सांगा ने उस समय जो अपने जो भी राजपूत शासक थे आसपास के थे उन सबको चिट्ठी भेजी थी जिसको पाती की प्रथा बोलते हैं उनको बोला कि आप सब लोग आओ इकट्ठे हो जो भी राजपूत है हम सब मिलकर जो मुगल सम्राट थे उसमें बाबर थे उनके खिलाफ लड़ेंगे तो इसके लिए खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़ने के लिए कुछ शासक आए थे कौन कौन से थे उनकी सूची हम देखते हैं महमूद लोदी आया था क्योंकि इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था तो महमूद लोदी हसन खान मालदेव और मेदिनी राय ये सब सा सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारे शासक सा थे परंतु सवाल में महमूद लोदी हसन खान मालदेव मेदिनी राय का नाम दे रखा है तो ये सब थे जो महाराणा सांगा थे उनके पक्ष में लड़ने के लिए खानवा के युद्ध में उनका साथ दिया था क्लियर तो इनके साथ साथ और कौन से शासक थे ये आपका होमवर्क है आप देखना कि ऐसे कौन से शासक थे जो और भी थे जिन्होंने राणा सांगा के खानवा के युद्ध में साथ दिया था क्लियर अगला है अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजेगी दूत थे उनका से क्रम क्या था राणा महाराणा सांगा थे महाराणा प्रताप थे उन पर अधिकार करना चाहता था मुगल सम्राट अकबर यहाँ आसपास के क्षेत्र में पूरे राजपूताना को जाता था कि उस पर उनका एक एकाधिकार हो जाए परंतु महाराणा प्रताप थे मेवाड़ के शासक उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार करने से इंकार कर दिया तो अकबर ने यह सोचा कि कुछ राजदूत ऐसे राजदूत थे जो मोस्टली राजपूती ही थे उनको भेजा कि उनसे समझाइश की जाए उनके साथ कुछ बातचीत की जाए तो इसके लिए दूत भेजे उनका क्रम क्या था यह सवाल में पूछा गया जलाल खान मानसिंह भगवंत दास या टोडरमल थे चारों ही परंतु सही क्रम बताना है ये ध्यान में रखना आपको पूरी इनका साल या याद रहना चाहिए मानसिंह जलाल खान टोडरमल या भगवंत दास जलाल खान टोडरमल मानसिंह या भगवंत दास टोडरमल जलाल खां मानसिंह या भगवं दास इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये यानी सबसे पहले आए थे जलाल खां उसके बाद आया था मानसिंह फिर आया था भगवंत दास और फिर आया था टोडर्मल। अब हम ये देखें कि जलाल खां थे वो कब आए थे जलाल खां का आने का टाइम था सितंबर पंद्रह सो बहत्तर ठीक है अगला कौन था मानसिंह मानसिंह आए अगले तो मान सिंह का टाइम था जून पंद्रह सो जून पंद्रह सो अब देखते हैं जलाल खांगे अक्टूबर पंद्रह सो तेतर अक्टूबर उसी साल अक्टूबर पंद्रह में कौन आए भगवंत दास भगवंत दास और फिर लास्ट में दिसंबर आ गया दिसंबर पंद्रह में किसको भेजा

मुगल सम्राट पर थे उन्होंने माराणा प्रताप से बातचीत के लिए भेजा परंतु लास्ट में कुछ कंक्लूजन नहीं निकला तो दोनों के बीच में हल्दी का टिका युद्ध हुआ अगला सवाल है हिंदी का प्रसिद्ध कवि बिहारी किसके दरबार में था सवाल यह है कि हिंदी का प्रसिद्ध कवि था एक बिहारी वो किसके दरबार में था मिर्जा राजा जय सिंह जेठा सिंह सी राजा मान सिंह डी आपका सवाई जय सिंह राइट आंसर होगा दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह थे उनके दरबारी कवि थे हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं ये बिहारी है ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि है ये और किस काल से संबंधित थे ये रीतिकालीन कवि थे कई बार ये भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे जिन्होंने एक ही ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था बिहारी सतसई बिहारी ससी इस ग्रंथ के इन्होंने रचना की थी और किसके दरबार में थी ये भी सवाल आपसे पूछ ले तो मिर्जा राजा जो जय सिंह थे जो आमिर जय के कछवा शासक थे उनके दरबार में ये रहते थे बिहारी काली कवि हिंदी के प्रसिद्ध कवि अगला सवाल है तुंगा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया किन किन के बीच हुआ था तुंगा का फेमस युद्ध प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया राघोवा और जसवंत सिंह जय सिंह और महादजी सिंधिया बीन सिंह और महादजी सिंधिया तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रताप सिंह जो कछवा शासक थे आमेर के और महादजी सिंधिया जो मराठा सरदार थे उन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था जो इतिहास में तुंगा का युद्ध और हुआ कहा कब सत्रह याद रखना है ये भी आता है कई बार और ये तुंगा कहाँ पर था ये दोसा जो डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में उसके आसपास पास ये तुंगा नामक जगह थी जिसमें महादजी सिंधिया है यानी जो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे मराठों का मराठा सरदार था तो उनकी क्या भी? भी। तो ये आपको पता होना चाहिए किन किन के बीच हुआ और कब हुआ और वर्तमान में जो ये जगह है ये कहां पर है तो ये दो के समीप ये जगह थी राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको बी बोलते हैं हिंदू विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना में अपना योगदान दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में तो महाराणा महाराजा फतेह सिंह महाराणा उमेश सिंह महाराणा माधो सिंह द्वितीय या महाराणा गंगा सिंह तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराणा थे माधो सिंह द्वितीय थे उन्होंने जो सवाई माधो सिंह के नाम से भी तंजीम को जानते हैं या माधो सिंह द्वितीय क्योंकि प्रथम विवाह था तो हमें ध्यान में रखना है कौन सा माधो सिंह है तो माधो सिंह द्वितीय थे कछवा शासक थे तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने यहाँ आए थे इसकी स्थापना किसने की थी मदन मोहन मालवीय मदन मोहन मालवीय ये बी एच सॉरी मालवीय ठीक है, माल है तो ये इन्होंने बनारस सिंधु विश्वविद्यालय की स्थापना की में योगदान दिया था तो ये जब राजस्थान आए यहाँ पर तो जो महाराणा माधव सिंह द्वितीय थे या सवाई सवाईमाधो सिंह के नाम से जिनको जानते हैं तो इन्होंने इनको इन्हों पूरा सपोर्ट किया और पांच लाख रुपए की उस समय लाख रुपए की सहायता दी थी तो ध्यान में रखना जरूरी है कि इसकी स्थापना किसने की थी प्लस राजस्थान के इसे कौन से शासक थे जिन्होंने इसकी स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह शासक जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था इस राज्य से संबंधित थे कौन से शासक थे वो अनूप सिंह करण सिंह जसवंत सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जसवंत सिंह अब ये जसवंत सिंह का संबंध किससे था तो ये मारवाड़ के शासक थे ठीक है मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह जोधपुर के शासक थे तो उस समय क्या हुआ औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था किसने शाहजादे शाहजा के चार बेटे थे आपको पता होगा दारा शिकोह मुरा मुराद औरंगजेब है ना तो उन सब के बीच में सत्ता को लेकर जैसे शासक मुगल सम्राट थे तो उन चारों बेटों के बीच अपना सत्ता संघर्ष उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया था तो शाह ने क्या किया उस समय जोधपुर के जो शासक थे मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह इसको ये बोला कि आप सहायता करने के लिए आओ तो औरंगजेब था जो शाहजहा का बेटा उनके बीच प्लस उनके जो अन्य बेटे थे उनके बीच में युद्ध हुआ एक जिस युद्ध को नाम देते हैं हम कौन सा नाम धर्मत का युद्ध धर्मत का युद्ध ये युद्ध हुआ कब था दोस्तों सोलह में हुआ था और धर्मत वर्तमान में कहां पर है एमपी में है ठीक है ये भी सवाल पूछ ले आपसे कहां पर एमपी में तो सोलह में युद्ध हुआ तो इसमें महाराणा जसवंत सिंह थे वो शाहजहां की सहायता के लिए उनकी जो दारा सुख की सेना थी शाहजहा ये चाहते थे कि दारा सुखु थे उनका बेटा था वो आगे जाकर शासक बने परंतु औरंगजेब चाह रहा था कि मैं शासक बनू इनके लिए दोनों की सेनाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें दारा सिपो की तरफ यानी शाहजहां की तरफ किसने जसवंत सिंह ने साथ दिया था परंतु इस धर्मत के युद्ध था उसका परिणाम ये हुआ कि औरंगजेब ने परिणाम ये हुआ कि इसमें विजय किसकी भी औरंगजेब की भी और ये जो जसवंत सिंह थे इनकी पराजय हुई थी ठीक है अगला है गिंगुल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था जयपुर और बीकानेर के बीच में मेवाड़ और जोधपुर के बीच में जयपुर और जोधपुर और जयपुर और मेवाड़ तो ये था सी इसका राइट आंसर है जयपुर और जोधपुर के बीच में कब हुआ था सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कोई भी युद्ध हुआ कब था 1807 में हुआ था अब जयपुर मैंने आपको बोला जयपुर जोधपुर के बीच तो जयपुर का शासक कौन था जयपुर का शासक था उसमें जगत सिंह जगत सिंह और जगत सिंह भी द्वितीय थे ठीक है जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर के शासक थे जोधपुर के शासक कौन थे मान सिंह इनके बीच में हुआ था जयपुर और जोधपुर के बीच में हुआ था और मेवाड़ इसमें किसकी विजय हुई थी अगर मैं परिणाम बताऊ इस युद्ध का तो ये जयपुर के जो महाराजा थे ये विजयी रहे थे और अगर कारण की बात की जाए तो कारण था मेवाड़ की एक राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी उसका संबंध तय हुआ था जोधपुर के शासक के साथ परंतु जोधपुर का जो उस समय शासक था उसका नाम भी जोधपुर मेवाड़ महाराणा का नाम था भीम सिंह भीम सिंह ठीक है इसी इसने अपनी बेटी थी कृष्णा कुमारी इस कृष्णा का संबंध तय किया था जो जोधपुर यानी मारवाड़ के शासक थे उस उनका नाम भी क्या था भीम सिंह था परंतु किसी कारणवश इस भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी तो क्या किया मेवाड़ के महाराणा ने जयपुर के तो जगत सिंह द्वितीय थे उनके साथ उनका संबंध कर दिया था इसी बात को लेके दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे इतिहास में गिंगोली के युद्ध के नाम से जानते हैं ये युद्ध 1807 में हुआ था इन सब से परेशान होकर जो राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी उसने राजकुमारी कृष्णा कुमारी उसने जहर पी लिया था वो मर गई थी परंतु इसमें ति उत्तर का चयन कीजिए देखते हैं खानवा का युद्ध बटनेर का युद्ध सुमेल का युद्ध हल्दीघाट का युद्ध अभी पीछे जो मैं सवाल करवा के आई हूँ उसी पैटर्न का सवाल है ये आपको अगर इनका याद है पूरी तरीके से कि कब हुआ था तो आप इसको हल कर देंगे अब खानवा का युद्ध हुआ था पंद्रह में किसके बीच अभी हम चर्चा कर चुके हैं पहले उस सवाल से नहीं बटकेंगे बटनेर का युद्ध कब हुआ तेरह में, में। सुमेलगिरी का युद्ध कब हुआ पंद्रह में और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ पंद्रह में अब इसको स्थिति क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करना है अब देखिए सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ बटनेर का युद्ध यानी बी हुआ है सबसे पहले ये देखो सब ऑप्शन में आपके है ही नहीं कहीं भी तो अगर बटनेर के युद्ध आपको पता है तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा उसके बाद ए खानवा का युद्ध फिर पंद्रह सुमेलगिरी का युद्ध और पंद्रह आपका हल्दी का युद्ध क्लियर तो ये आपको ध्यान में रखना किन किन के बीच हुआ ये मैंने आपको बता दिया सुमेल गिरी का युद्ध हुआ था मारवाड़ का शासक था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में होता है इसकी चर्चा हमने नहीं की हल्दी घाटी के युद्ध की चर्चा हम कर चुके हैं मुगल सम्राट अकबर और मेवाड़ के जो महाराणा थे महाराणा प्रताप उनके बीच में हुआ था खानवा के युद्ध बाबर के बीच में और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। अगला सवाल है निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था अब ये वरीक वंश का शासन था उसका क्षेत्र कौन सा था बयाना अलवर बदनोर या ओसिया वरिक वंश ने ब्याना भरतपुर में था वहां पर इनका शासन था तो आप बस इतना ध्यान रखना था वरीक वंश का शासन था उसका क्षेत्र कौन सा था बयाना था अगला है आठवीं सदी से लेकर बारहवीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी था 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 जिसका नाम इसका संबंध किससे वो अलग अलग प्रशासनिक पद होते थे जैसे वर्तमान में होते हैं उसी आठवीं से बारहवीं शताब्दी या बाद में भी, भी होते थे तो अक्ष पटलिक जो एक पद था उसका क्या काम था तो कृषि कार्यो पर नजर रखने वाला अधिकारी राज्य में आय हुए का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी राजकोष और आभूषणों को रखने वाला या विदेश नीति से संबंधित अधिकारी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी यानी राज्य में आय वे का जो ब्योरा रखता था उस अधिकारी का नाम उन लोगों ने क्या रख रखा था अक्ष पटलिक रख रखा था इसके अलावा कुछ प्रमुख पद होते थे जैसे ये तो सबको पता है अमात्य होता था ये राज्य का प्रमुख होता था जिसको हम सामान्यता क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री है ना या मुख्यमंत्री जिसको शब्द यूज करते हैं वो होता था आठवीं से बारहवीं की बात हो रही है एक होता था संधि विग्रही संधि नाम से पता चल रहा है है ना ये एक प्रमुख पोस्ट होती थी जिसका काम था युद्ध और संधि युद्ध और संधि का मंत्री बोलते थे जिसको उससे जो प्रमुख कार्य थे वो ये करता था एक होता था भिषिराज धीराज यानी किसको बोलते थे वेद्य को बोलते थे तो ये प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उस समय का होता था तो ये प्रमुख थे जिसमें अक्स है आने वाला है राज्य में आय का जो ब्योरा रखने वाला अधिकारी होता था आठवीं से बारहवीं शताब्दी के काल में वो अक्षपट था लाटा और कुंता ये जो प्रथा थी इनका संबंध किससे था लाटा कुंता क्या थी मारवाड़ के जमींदारों द्वारा किसानों पर लगाए गए कर सुविधाओं पर लगाए गए कर उप जो प्रमुख उपज होती थी उस पर कर आंकने की पद्धति या चुंगी कर तो ये था उपज पर कर आंकने की पद्धति होती थी वो लाटा और कुंता के नाम से जानते थे उसको ये प्रमुख राजस्व पद्धति थी राजस्व वसूल करने के तरीके थे जो लाटा होती थी इसको हम सामान्य भाषा में बंटाई भी बोलते हैं कि राज्य की इतनी बंटाई राज्य के भाग में आती है पूरी फसल काट ली जाती थी उसके बाद या तो उसको थे किसी तरीके से या अनुमान के आधार पे ये जो लाटा थी उसका निर्धारण किया जाता था इसके प्रमुख हवलदार होते थे कृषक होते थे पटवारी होते थे ये प्रमुख अधिकारी होते थे या कुछ कृषक होते थे साथ में मिलजुल के इस लाटा है इसका निर्धारण करते थे अगर कुंता की बात की तो कुंता यानी कुंटते थे अनुमान पर आधारित ये खड़ी फसल थी उसका अनुमान करते थे और अनुमान अनुमान के आधार पे जो राजस्व था उसका निर्धारण किया जाता था तो राज्य द्वारा जो भी उपज होती थी उस पर कर आंकने की जो पद्धति थी एक राजस्व वसूल करने की जो पद्धति थी वो लाटा और कुनता के नाम से जानी जाती थी क्लियर अगला है निम्न में कौन सा महाराजा गंगा सिंह के बारे में असत्य कथन है गलत कथन बताना है आपको महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के प्रमुख महाराजा थे उसके बारे में वे ऑफ उन्नीस के 1930 तक अध्यक्ष रहे उन्होंने लंदन में आयोजित तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने पेरिस समझौते पर देशी राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर किए अंग्रेजी सरकार ने इन्हें ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया अब मैं आपको दोस्तों बता दूं दो कि इसमें हमको पूछा गया है कि कौन सा कथन है जो गलत है गलत कथन ऑफ़ चैम्बर के अध्यक्ष थे इसमें बिल्कुल गलत नहीं है परंतु तीस तक अध्यक्ष रही तो अगले वाला स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया ट्वेंटी फाइव यानी उन्नीस सौ पच्चीस तक वो अध्यक्ष रहे थे बाकी तीनों स्टेटमेंट ध्यान से देखो आप बिल्कुल सही है कि ये महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के महाराजा थे लंदन में तीन गोल में सम्मेलन हुआ था कौन सा शासक था तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचा था तो ये महाराजा गंगा सिंह थे पेरिस समझौते पर उन्होंने देसी राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर किए बिल्कुल सही स्टेटमेंट और अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि से इसको सम्मानित किया था तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही आपका पहला स्टेटमेंट गलत चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष जरूर थे बिल्कुल सही परंतु कब तक नाइनटीन तक अगला सवाल है मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए मारवाड़ की, मारवाड की बात चल रही है राव राव मोटा उदय सिंह या महाराजा जसवंत सिंह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह थे मारवाड़ का पहला शासक था मारवाड़ का जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे ये सबसे पहला अगर वैवाहिक संबंध जो मुगलों के साथ स्थापित किया था वो थे आमेर के शासक थे भारमल उन्होंने मुगलों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए परंतु सवाल था उसमें बात चल रही है मारवाड़ की थी, ठीक है तो आप बता देना कि मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह राणा हमीर थे उनको विस्मगाटी पंचानन किस प्रशस्ति में कहा गया है अब आपको सवाल में पता चल गया एक चीज तो कि विस्मगाटी पंचानन है ये संज्ञा किसको दी गई है तो राणा हमीर को दी गई है इतिहास में अब विषम घाटी पंचानन मतलब वो कठिन परिस्थितियों में भी जो अपना नेतृत्व क्षमता अपनी दिखाता हो तो प्रशस्ति कौन सी थी कुंभलगढ़ राज प्रशस्ति प्रयाग या आमेर तो इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा अमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा से नवाजा गया है महाराणा कुंभा की थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति अगला सवाल जयपुर का कौन सा शासक तीन मुगल बादशाह जहांगीर शाहजहा और औरंगजेब इनकी सेवा में रहा सवाई जय सिंह मिर्जा राजा जयसिंग सिंह यहां बात कैस की चल है तीन मुगल भाषाओं की बात चली है जिनकी सेवा में रहे थे तो ये थे अपने मिर्जा राजा जय सिंह ये मिर्जा राजा जयसिंह इनको मिर्जा की उपाधि सबसे पहले देखो इतिहास में दो के राजा एक को सवाई की उपाधि थी एक को की मिर्जा की उपाधि उपाधि अब दी ये तीनों दरबार में रहे थे तीन मुगल भाषाओं के दरबार में रहे थे और उन्होंने एक काम किया था उस समय मराठे थे वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे तो उस समय मराठा सरदार था प्रमुख जिनका नाम क्या था शिवाजी नाम सुना होगा शिवाजी तो शिवाजी उनके साथ संधि करने के लिए इन्हीं मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया और मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के साथ एक फेमस संधि की बातचीत की जिनको जो इतिहास में किस नाम से फेमस है पुरंदर की संधि के नाम से और ये संधि कब हुई थी दोस्तों सोलह पैंसठ ईस्वी में यस संदीवी थी क्लियर आपको सवाल भी मिल गया सवाल के साथ एक्स्ट्रा बात भी आपको पता चल गई इनके दरबार का एक फेमस सवाल जो आता है वो कि कविवर बिहारी जो इसको पढ़ चुके हैं वो है दरबार में था तो ये ये बिहारी थे के के थे अपने मिर्जा राजा इन्हीं के दरबार के प्रमुख हिंदी के कवि थे क्लियर अगला सवाल चौलास सवाल है अपना चौहान शासक जो कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता था चौहान शासक की बात हो रही है अरुणोराज अजयराज विग्रह राज चतुर्थ या पृथ्वीराज तृतीय राज चतुर्थ इसके बारे में आपको बता दिया, के नाटक थी प्रमुख चौहान शासक थे जिन्होंने ललित विगरा राज की नाटक रचना की थी इसके अलावा बहुत सारे और कवि थे जो इनके दरबार में रहते थे और उनके साथ वो कवि बांधव मतलब उनके साथ बहुत ही सहयोगात्मक रवैया था इनका उनको अपना बंधु बांधव मानते थे इसी वजह से इतिहास में ये कवि के नाम से प्रसिद्ध हो गए तो थे, थे। प्रसिद्ध हुए सपाल इनका जो काल था अजमेर और आसपास का क्षेत्र वो इनका काल स्वर्ण काल कहलाता का था बाकी हमने इनके, इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया ठीक है ये चौहान शासक थे ये हुए अपनी आज की क्लास के पूरे सवाल थे उनके आसपास की जो भी चीजें थी सब हमने कवर करने की कोशिश की ये आप बार बार इन क्लासों को देखिए और रिपीट कीजिए इनसे संबंधित और भी किस तरीके के सवाल आपके माइंड में आ रही हैं या बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए सवाल है वो सब आप खुद करने की ट्राई कीजिए इससे आपकी क्या होगी प्रैक्टिस हो जाएगी नेक्स्ट क्लास है उसमें फिर मिलते हैं आज के लिए इतना ही थैंक यू